हेलो माई ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग पहले की तरह ही काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स, ऐसे कौन से सात काम हैं जो कि आपको अपने एजेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बातें आपको गांठ बांध लेनी है बिल्कुल, कि ये जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, आपको अगर आपने भी LIC ले रखी और आपका LIC एजेंट है, तो आपको अपने LIC एजेंट के साथ ये सात काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, नहीं तो आप ही नुकसान में रहोगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन से हैं वो सात काम जो कि आपको नहीं करने हैं, आज की वीडियो में हम लोग यही बातें जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इस टाइप का कंटेंट आप लोग पसंद करते हैं देखना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फ्रेंड्स इसके अलावा बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग आप ये भी कहेंगे कि जो एजेंट होते हैं, यार हमारे पास तो अच्छे एजेंट नहीं है, तो हम ये सात काम क्यों फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, LIC एजेंट भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं। हो सकता है कि कुछ एजेंट आपको, आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको एजेंट ऐसे मिले हों कि आपका जो विश्वास है वो LIC से उठ गया हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कि अच्छे एजेंट मिले हैं, यानी उनका नेचर काफ़ी अच्छा है, उनका वो इंसान काफ़ी अच्छे हैं। तो जो अच्छे एजेंट हैं उनके साथ आपको ये सात काम ज़रूर करने हैं। जो बुरे एजेंट हैं, यानी कि बुरे एजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो आपको कॉल करता है बार बार तो बुरा हो गया, ऐसा नहीं होता। बुरे एजेंट का मतलब ये है कि उसने आपके पैसे ले लिए और उसने आपके पैसे मार लिए, उसने आपकी जो पैसे थे आपने दिए थे उसका प्रीमियम उसने जमा नहीं किया, या फिर उसने आपको बॉन्ड नहीं दिया, या फिर आपने उसको कोई भी ऐसा काम बोला हो जो उसने काम नहीं किया, या फिर वो आपका फ़ोन नहीं उठाता। तो ऐसे एजेंट जो होते हैं वो बुरे एजेंट उन्हें हम कहते हैं, और उन एजेंट को आपको क्या करना है, ये सात काम उनके लिए यहाँ पे फॉलो नहीं आपको करने हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे एजेंट हैं, उनके साथ आपको ये सात काम करने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एजेंट भी आपके मायने इंसान है और उनके साथ भी हमको कुछ ये सात काम अगर आप लोग करते हैं, ये सात बातें अगर आप गांठ बांध लेते हैं, तो आने वाले समय में आपको एजेंट से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आगे फ्यूचर में अगर आप ये सात बातें फॉलो नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक करके सारी बातों को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि झूठा दिलासा ना दें। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कोई भी LIC एजेंट होता है, अगर वो आपकी पॉलिसी करता है तो बदले में उसको कमीशन जाता रहता है और आपका भी पैसा इकट्ठा होता रहता है। अब आप अगर ये सोचते हो कि आपकी पॉलिसी में से उसको कमीशन जाता है, तो आप ये बिल्कुल भी गलत सोचते हो, ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से किसी भी कंपनी में कोई भी वर्कर काम करता है और उस काम के बदले में उसको सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, उसी तरीके से अगर कोई LIC का एजेंट जो होता है मेहनत करके पॉलिसी डलवाता है LIC में, तो वो उसकी मेहनत की कमाई होती है, जिसे आप और हम लोग कमीशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये जो पैसा है आपके पैसे में से नहीं जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक तरीके से LIC एजेंट हैं जो कि LIC कंपनी में वर्क करते हैं, वर्कर्स हैं, उनको उनकी सैलरी मिलती है, हम ये बात कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने एजेंट को झूठा दिलासा नहीं देना है। झूठा दिलासा नहीं देने है का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे इसका मतलब यही है कि अगर आपका जो भी कोई भी एजेंट होता है, फ्रेंड्स हर एजेंट चाहता है कि उसकी और पॉलिसीज हो, नई पॉलिसी हो, तो अगर उसका कोई भी पुराना ग्राहक है तो उससे ये बात ज़रूर कहता है कि सर आप अब एक नई पॉलिसी ले लीजिए, या फिर आपके घर में कोई भी नया बेबी आया तो आप उसके लिए पॉलिसी लीजिए, अगर आपके घर में कुछ और हुआ है, कोई नया मेम्बर आया तो आप उसके लिए पॉलिसी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप उसको झूठा दिलासा मत दीजिए। अगर आप उससे पॉलिसी नहीं लेना चाहते, आपका बजट नहीं है, तो आप अपने एजेंट को सीधा सीधा बताइए कि सर मेरा जो अभी बजट नहीं है, मैं पॉलिसी नहीं ले सकता हूँ, तो जब भी मैं पॉलिसी अगर मुझे लेने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको सामने से कॉन्टैक्ट करूँगा, लेकिन आप बार बार मुझे पॉलिसी के लिए मत कहिए। आपको उनसे डायरेक्टली ये बात कहनी है। अब फ्रेंड्स, आप क्या करते हैं एजेंट से पीछा छुड़वाने के लिए, ये आपकी बहुत ही गलत, हर इंसान की आदत होती है, आपकी हमारी सबकी, एजेंट से पीछा छुड़वाने के लिए आप क्या कह रहे हो? जी अगले महीने देखेंगे, हम दो महीने बाद देखेंगे, इतनी तारीख में देखेंगे। तो एजेंट को क्या रहता है? एजेंट को दिलासा रहता है कि इतनी तारीख को इस व्यक्ति ने कहा है तो
हमें क्या करना है, इससे मीटिंग करनी है, हो सकता है हमारा वहाँ से काम बने, लेकिन जब एजेंट उस तारीख को फ़ोन करता है तो आप कहते हो कि नहीं एक महीने बाद, नहीं छः महीने बाद, तो क्लाइंट जो आपका एजेंट रहता है उसको क्या रहता है, आपसे दिलासा रहता है कि हो सकता है आप उसको पॉलिसी दें। लेकिन फ्रेंड्स ये आप काम क्या कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। अगर आप उससे पॉलिसी नहीं लोगे, अगर आपके पास बजट नहीं है, जो भी रीज़न है, आप उसको साफ साफ बताइए, उसको टालिए मत। वो भी इंसान है, वो भी तो आपकी तरह है, वो भी पैसा कमाता है, उसे भी पैसे की अहमियत पता है। अगर आप उसको ये बात कहेंगे कि मेरा बजट नहीं है तो क्या वो आपको ज़बरदस्ती पॉलिसी दे देगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप अगर पॉलिसी नहीं ले सकते तो उसको झूठा दिलासा मत दीजिए, जो आपकी सच्चाई है वो उसे बताइए। और अगर आप लेना चाहते हैं तो वही समय बताइए जब आप ले सकते हैं, या फिर ये कहिए कि सर जब मैं लेने के लिए मेरे पास बैलेंस होगा तो मैं आपको सामने से कॉन्टेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब हमारे दूसरे पॉइंट की। फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपका भी कोई एजेंट है तो आप उसे रेफरेंस देते रहिए। अब फ्रेंड्स आप लोगों को ये लगता है कि यार मैंने पॉलिसी करवा ली, मैं उसको रेफरेंस क्यों दूँ, मैं उसको काम क्यों दूँ? तो फ्रेंड्स LIC का जो मेन काम होता है वो यही होता है, हमारा काम ही रेफरेंस से चलता है। तो दोस्तों अगर आपके रेफरेंस देने से किसी अदर पर्सन को प्रॉफिट होता है, उसको पॉलिसी हो जाती है, तो इसमें अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग हैं जो कि पॉलिसी ले सकते हैं तो आप रेफरेंस देने से कतराइए मत। सामने से अगर कोई एजेंट आपका है वो कहता है कि सर मुझे अगर कोई रेफरेंस या कोई पॉलिसी करवाना चाहता है तो मुझे ज़रूर दीजिए, तो आप क्या करते हो, टाल देते हो कि चलो बाद में देंगे, अब देंगे तब देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। हर इंसान का काम ज़िंदगी भर लगा रहता है, लेकिन अगर हमें समय मिल रहा है किसी की मदद करने के लिए तो आपको क्या करना है, हर इंसान की मदद करनी है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि हो सके तो अगर आपके पास रेफरेंस हैं, ऐसे कॉन्टैक्ट हैं कि जो पॉलिसी करवाना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उनके जो नंबर हैं अपने एजेंट से शेयर करने हैं। फ्रेंड्स चलिए मैं अब आपको तीसरा पॉइंट बताती हूँ। दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि आप अपने LIC एजेंट को बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही समझें। यानी कि फ्रेंड्स जब भी अगर कोई भी एजेंट आता है आपके घर में तो आपको उससे इस तरीके से बिहेव नहीं करना है कि वो एक एजेंट है या फिर सिर्फ उसका और मेरा सिर्फ एक पॉलिसी की वजह से रिलेशन है। नहीं, आपको उससे एक फैमिली मेंबर की तरह ही बात करनी है, जैसे कि आप अपने फैमिली में अपने भाई से, अपने फादर से, अपने छोटे भाई बड़े भाई या फिर अपने फ्रेंड से जैसे भी आप बात करते हो, आपको उसी तरीके से अपने एजेंट से बात करनी है। फ्रेंड्स अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं तो आपका यानी कि क्लाइंट का और एजेंट का एक इमोशनली जो होता है रिलेशन बन जाता है। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे ऑफिशियल नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको एजेंट के किसी भी रीज़न से ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके साथ ज़रूर खड़ा होगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने एजेंट को बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करना है। अगर वो कभी भी आपके घर पे आते हैं तो आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपको उनको एक फैमिली मेम्बर की तरह ही आपको ट्रीट करना है, बात करनी है, और उनके साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको शेयर करनी है। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, आपके और उनके बीच एक जो इमोशनली टच है वो डेवलप होगा, वो आगे चल के आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प ज़रूर दे सकता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि जब भी अगर आप कोई भी एजेंट आपके टच में है और जब भी अगर आपके घर में कोई भी फैमिली फंक्शन होता है तो अपने एजेंट को इनवाइट ज़रूर कीजिए। दोस्तों अगर आप लोग अपने एजेंट को इनवाइट करते हैं तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि एजेंट्स को अगर आप इनवाइट करेंगे तो एजेंट आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स, उन सबसे मिलेंगे। मिलने से आप सबके बीच में एक इमोशनल टच जो है डेवलप होगा, जो कि आगे चल के आपको काफ़ी मदद दे सकता है। फ्रेंड्स हर समय पैसा ही ज़रूरी नहीं होता, कई बार इंसान भी इंसान के काम आता है, पैसा ही हमेशा किसी के भी काम नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पर्सनैलिटी से जज ना करें। दोस्तों कई बार क्या होता है, आपका जो एजेंट होगा वो नॉर्मल यानी कि कपड़े पहनता होगा या फिर उसका इतना हाई फाई प्रोफाइल अपना वो नहीं रखता होगा, तो आप लोगों को लगता होगा यार ये तो मेरे स्टैंडर्ड का है ही नहीं, क्योंकि ये इस तरीके से रहता ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गिरा हुआ सा इंसान लगता है या गरीब लगता है बहुत। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को उसकी पर्सनैलिटी से कभी भी जज नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी बुक का कवर देख लेने से आपको पता नहीं चल जाता कि ये बुक कितनी आपकी काम की हो सकती है।
तो दोस्तों आपको अपने एजेंट की पर्सनैलिटी से, इनफैक्ट एजेंट क्या, किसी भी व्यक्ति को उसकी पर्सनैलिटी से जज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो उसको नॉलेज अच्छी नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको पर्सनैलिटी डेवलप करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ज्ञान की तो फ्रेंड्स उनको हमसे ज़्यादा ज्ञान होता है। तो आप लोगों को अपने एजेंट को या फिर किसी भी व्यक्ति को पर्सनैलिटी से तो बिल्कुल भी जज नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपना छठा पॉइंट समझ लेते हैं। फ्रेंड्स छठा पॉइंट हमारा ये है कि आप अपने एजेंट की कॉल को ज़रूर उठाइए। दोस्तों कई बार क्या होता है यार, आप लोग सोचते हो कि अरे यार फिर से ये फ़ोन कर रहा है, मुझे पॉलिसी नहीं लेनी, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप लोग क्या करते हो, उसके जो फ़ोन होता है, कॉल होता है, उसको क्या करते हो, इग्नोर करते हो। आप ये काफ़ी बड़ी गलती करते हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों हो सकता है कि वो आपके काम की ही कुछ बात करने वाला हो सकता है आपकी जो पॉलिसी है कोई पॉलिसी पेंडिंग में हो और आपको याद ना हो, वो आपकी पॉलिसी का आपको याद दिलाने के लिए फ़ोन कर रहा हो, या फिर कुछ भी और रीज़न हो सकता है। ज़रूरी नहीं है अगर वो आपका LIC का एजेंट है तो आपसे सिर्फ LIC की ही बात करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोग क्या करते हो, अपने एजेंट का जो कॉल है उसको क्या करते हो, इग्नोर करते हो। इससे फ्रेंड्स होता क्या है, जो एजेंट है वो आपसे इमोशनली टच नहीं हो पाता, सिर्फ आपका उसका सिर्फ एक LIC की वजह से रिलेशन रह जाता है, जो कि नाम का रिलेशन होता है। तो यार आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने एजेंट के साथ कॉल अगर आती है तो उसे रिसीव कीजिए, बात कीजिए, और उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो वो पूछिए। इससे क्या होगा, आपका इमोशनल टच जो है डेवलप होगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है आपका किसी भी व्यक्ति के साथ। अब फ्रेंड्स हम अपना सातवां और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। दोस्तों सातवां पॉइंट हमारा यही है कि रिस्पेक्ट योर एजेंट, यानी कि अपने एजेंट की रिस्पेक्ट कीजिए। फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ के आप मालिक हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं हो जाता है कि अगर आप अमीर हैं तो दूसरा व्यक्ति गरीब है। फ्रेंड्स हर इंसान अपने लिए अमीर होता है। अगर आपका एजेंट है और वो आपसे आपके जैसा रिच नहीं है, अगर वो नॉर्मल है, तो आपको उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। दोस्तों अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट लोगे, ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दिए जा रहा है और अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो आगे से वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। दोस्तों आज का टाइम यही है कि रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो, इसीलिए अपने एजेंट की इज्जत ज़रूर कीजिए और अपने एजेंट का आपको सम्मान करना है, उनको हमेशा एक इम्पॉर्टेंट देनी है। आपको ऐसा फील नहीं करवाना है कि यार ये सिर्फ एक एजेंट है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने एजेंट से एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना है। फ्रेंड्स इससे मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर में क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों जो लोग अपने एजेंट का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके साथ इमोशनली टच नहीं होते हैं और भी ये चीज़ें नहीं करते जो मैं आपको 7 पॉइंट बताया, अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स जिन लोगों के भविष्य में क्लेम आए होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स जिनके क्लेम आ चुके हैं, मान के चलते कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके मेच्योरिटी क्लेम आए, डेथ क्लेम आए, लेकिन उनके एजेंट से उनके रिलेशन ही अच्छे नहीं है, तो एजेंट क्यों उनका काम करवाएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि अपने एजेंट से रिलेशन अच्छे रखने है, ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिनका अगर कभी डेथ क्लेम आया हो और उस टाइम पे उन लोगों के एजेंट अगर उनके साथ नहीं होते हैं तो कितना उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वो बातें वैसे वही लोग जान सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एजेंट को तो यार ये 7 बातें आपको फॉलो ही करनी है, क्योंकि आपका एजेंट सिर्फ आपके LIC के लिए नहीं और भी चीज़ों में काम आ सकता है। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है, लेकिन जिस व्यक्ति से आपका इमोशनल टच है, जिससे आपको काफ़ी लगाव है, वही व्यक्ति आपके साथ में खड़ा होता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने एजेंट के साथ ये 7 बातों को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स आपको अगर पॉलिसी के अलावा अगर कोई और भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आपको पूरा सपोर्ट ज़रूर करेगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें बिना बिल्कुल भी ना जाइए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।